जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट स्थित उन्नत नगर में आरएसएस यशवंत प्रभात और महावीर प्रभात शाखा द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ आरएसएस ध्वज को सलाम करके किया गया। इस अवसर पर श्रावक सेवा संस्था प्रमुख पंडित महावीर मनु व भूपेन भैया, नगर कार्यवाहक विशाल पारसमल जैन, ओशीरा भाग प्रमुख हेमंत चोपड़ा व तमाम स्वयं सेवक मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्रावक सेवा प्रमुख महावीर मनु को और भूपेन भैया को कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये नया है, लेकिन यहाँ क्या अलग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जरूर, पहले तो सभी को जय हिंद। और जो आपने अभी कहा कि यहाँ पे सेवा कार्य की जो बातें हुई, उसमें जो कोरोना काल, जो महामारी का काल आया था, उसमें सबसे ज़्यादा सेवाएं हमने देखी हैं। और ग्राउंड लेवल पर, जो रूट लेवल कहते हैं हम जिसे, वहाँ पर जाकर हमने काम किया है। कार्य ऐसे थे कि तुरंत तुरंत लॉकडाउन लग गया था, पब्लिक जो थी वो तुरंत के तुरंत समझ के बाहर चली गई थी कि किस तरह से हम आगे का समय बिताएंगे, लॉकडाउन में हम क्या करेंगे, कमाएंगे कहाँ से, खाना कहाँ से लाएंगे, ऐसा। और जो संघ के माध्यम से हमने किचन सेवा शुरू की थी, किचन सेवा ऐसी थी कि जहाँ पर हमने जो रास्तों पर रहते हैं, जो जिनका घर बार नहीं है, जिनके पास ज़्यादा डेली बेसिस पर वेजेस लेने वाले लोग हैं, जो हर दिन का काम करते हैं और उसी दिन कमा लेते हैं और उसी से वो अपना घर चलाते हैं, वैसे लोगों को हमने टारगेट किया और हमने उनको खाना पहुंचाने का काम किया था। अब ये खाना पहुंचाने का काम जो था, वो एक आदमी या एक छोटे से दल से काम नहीं हो रहा था, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोगों की मदद हमने जो खाना बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसके लिए ली, कुछ लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है मैनेज उसके लिए किया था, और ज़्यादातर जो स्वयंसेवक भी थे और काफ़ी सारे जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो सामने से स्वइच्छा से आगे आए, आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और ज़्यादातर जो काम था ग्राउंड लेवल पर, टारगेट कहाँ से निकालना है, किन किन लोगों को परेशानियाँ हैं, ये जो फाइंड आउट करने का काम था, ये सबसे कठिन काम था। क्योंकि जैसे आपने अभी कार्यक्रम में सुना होगा कि कोई जो मिडिल क्लास के जो थे, या तो जो कुछ लोग थे ऐसे जिनको मांगने में शर्म आती है या वो झिझक करते हैं, तो वो सामने से बताते नहीं, और हम उन्हें अलग से जाकर टारगेट करते थे कि ये इनको ये ज़रूरत है, और हम सामने से उनको जाके पूछते थे, बताते थे क्या है प्रॉब्लम, उस बेसिस पर हम उनको खाना पहुंचाते थे। जैसे राशन का भी काम था थोड़ा बहुत, तो राशन बांटना ये भी हमने किया था, तो ये भी उसी लेवल से और उसी सपोर्ट से किया था, जो छोटे छोटे दल हमने साथ में लाए थे उनके ज़रिए हमने किया था। देखिए, जो ये कोरोना महामारी आई है, वो विश्व में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक आई है, जो हमारी पीढ़ियों ने कभी देखी नहीं थी ऐसी आपदाएं। ये एक विश्व को एक प्रकार से एक बहुत बड़ा उपद्रव, ये महामारी जो आई, वो हमारी पीढ़ियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे को ये खुशी है कि ऐसी महामारी का भी हमने मुकाबला जो किया है, शासन ने तो अपने स्तर पर किया, लेकिन जो ग्राउंड रूट पर जो हमारी संस्थाओं ने जो मिलकर जो किया है कार्य, प्रत्येक लोग जागृत हो गया यहाँ का, एक एक बंदा जिनकी शक्ति धन की थी, उन्होंने अपना धन दिया, जो तन से कर से तन दिया, और रोडों पे लोग निकल गए मदद करने के लिए, कोई किचन चला रहा है, कोई राशन वितरण कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमारी खून में जो है वसुदेव कुटुंबकम भावना, ये हमारी कारगर हो गई, इसलिए हमारे आज खुशी है कि इस दौर में कोई भी भूखमरी से नहीं मरा, कोई खाने के कारण कोई भूखा नहीं रहा। इसका श्रेय अगर हम जाता हूँ इन सब कार्यकर्ताओं को और जो कार्य करने वाली अनेक सभी सेवा संस्थाओं का, जिसमें आरएसएस का भी नाम है प्रमुख, तासे मैं लेना चाहूँगा कि इन्होंने हर जगह पहुँच कर किचन चलाए और लोगों को भूखे मरने से बचाया। मुंबई में मैं रहता हूँ, प्रत्यक्ष मैंने देखा हर जगह हर कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठा रहा, और यहाँ पर लग गया, रोडों पे निकल गया कार्यकर्ता लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए। हर संस्थाओं में, जिसमें हमारी भी संस्था थी श्रावक सेवा संस्था, उनके भी हर कार्यकर्ता, लेकिन हर का कार्य बांटा हुआ है,
जिसने भी जो कार्य किया है, किसी का अभी काम कम नहीं है, सबकी कामों की हम सब प्रशंसा करते हैं। और ये इसका मकसद यही है कि उन सेवाभावी संस्थाओं को एक थैंक्स देना, क्योंकि हमारे में है ना जो कार्य करता है उसको कहने की, प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही आज ये देश, भारत देश इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में सक्षम हुआ और एक भी हमारा भारतवासी भूखा नहीं मर सका, इसका श्रेय इन सभी संस्थाओं को ही है। इसलिए आप अपना कार्य और आगे करते रहे, ऐसी मुकाबला हम करते रहे, ये राष्ट्रवाद और वसुदेव कुटुंब का काम का ये भावना हमारे में बनी रहे, तो इससे भी बड़ी महामारी भी अगर आती तो हम मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि हमारे में आज एक दूसरे से सहयोग करने की ये भावना है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। और आपसे जानना चाहूँगा, स्लम को सभी ने टारगेट किया, जैसे आपकी संस्था ने टारगेट किया, वैसे बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में भी लोग थे जो राशन बंद था, दुकान बंद था, खाने बगैर मर गए, फ्लैटों में रह रहे थे। चार चार BHK का फ्लैट है लेकिन अकेला बंदा रह रहा है और कुछ राशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और वो किसी से मांग भी नहीं सकता। ऐसे लोग कई लोग होते, हम उदाहरण है, गवाह है उस बात के, हमने जाके कवर किया है उसको, उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये इसका मेन कारण ये है कि आज पाश्चात्य संस्कृति की एक आंधी आ गई है, हम हमारी संस्कृति से टूट चुके हैं जड़ों से। तो मेरा ये सोचना है कि अगर तुम जड़ों से टूटोगे तो तुम आर्टिफिशियल बन जाओगे, जड़ों से मत कटो। हमारी संस्कृति में कुटुंब है, परिवार है, अगर हम कुटुंब परिवार की हमारी संस्कृति है वो परिवार हम बिखेर रहे, आज आदमी एकाकी हो गया है, अकेला रहना चाहता है, उस प्रवृत्ति से ये पाश्चात्य संस्कृति है, उससे प्रभावित मत हुए। हमारी भारतीय संस्कृति में मदर डे और फादर डे नहीं मनाते, हमारा हर जीवन मदर डे के माँ के लिए समर्पित है, हमारा हर जीवन पिता के लिए समर्पित है, उनके चरणों में नतमस्तक रहने का ही हमारा है। तो ये संस्कृति, जो संयुक्त परिवार जो रहते थे, हम हमारे कुटुंब में रहते थे, तो इसमें कोई भी मुकाबला आता था तो हम मिल के उसका समाधान करते थे। आज आदमी जो आप बोल रहे हो एकाकी के कारण ये मुसीबत आई, उस एकाकी के कारण क्यों, वो पाश्चात्य संस्कृति के भेंट चढ़ गए वो लोग इसने, और वो मुसीबत में मुकाबला करने की उनमें शक्ति नहीं रही। लेकिन आज देखना, जो ग्रास रूट में घाव में आप जाओगे तो आपको आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ, इस घावों की संस्कृति में एक भी आदमी भूखा नहीं मरा, एक भी आदमी को मुकाबले नहीं है। ये जो आप उदाहरण दे रहे हो वो शहरों के पाश्चात्य संस्कृति में रचे बचे संस्कृति उदाहरण है, घावों में एक भी आदमी भूखा नहीं मरा, एक भी आदमी शान से रहा और कोई भी उसको कोरोना के एक रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं गांव में 2 महीना रहा कोरोना के कारण, यहाँ सेवा भाव करके मैं गांव में गया, मैंने गांव में जाके देखा लोग, देखो कितने, क्यों, संयुक्त परिवार, एक दूसरे की मदद के करने करने। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम हमारे वो भावना वापस पैदा करें एक दूसरे से जुड़ने की। आज कट रहा है आदमी, पैसा पाते ही अपने लोगों से क्यों कटता है, आप अपने से जुड़े, अपनी जड़ों से मत कटिए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई आज इस कार्यक्रम को लेके जो आपने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर, शाखा कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि शाखा हमारी निरंतर यहाँ पे लगती है, ये शाखा आपको यहाँ पे दृश्य दिख रहा है, ऐसा दृश्य, इसी तरह का दृश्य आपको पूरे भारतवर्ष में हर शाखा में ऐसे दृश्य लगेगा, ऐसे दृश्य दिखेगा। तो संस्कार जो है वो समान संस्कार हर स्वयंसेवक को दिया जाता है, यहाँ पे ये संस्कार घड़ित किया जाता है उनके मन में, तो जो सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो संस्कार है वो हर शाखा में ऐसे दिया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है इधर चरित्र। अभी चरित्र जो है ये हमको इसी संगठन के द्वारा एक प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में जो हमारी माता बहनें होती है, जो माता है वो पुत्र को बचपन से ही संस्कार बोलते हैं, सेवा का संस्कार देती है, और वो बोलती नहीं कि सेवा करो सेवा करो, वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करती है, उदाहरण सेट करती है कि उससे हमारे अंदर मैंने मन में सेवा भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहूँगा, आपने सबने देखा होगा अपने गांव में, अभी तो शहर में रह रहे, गांव में जो एक गाय आती है ना बाहर, या कोई गरीब व्यक्ति आता है तो माता क्या बोलती है, माता कहती पैसे होंगे या रोटी होगी, तो बोलेंगे रोटी ले, पुत्र को बोलेगी रोटी ले वो गाय को दे दे, वो खुद देने नहीं जाएगी, वो बेटे को बोलेगी। तो ये संस्कार आप देख रहे हो, माता खुद भी कर सकती है लेकिन बेटे को जानबूझ के बोलेगी, तो संस्कार बेटे में अपने आप घटते जाएंगे। या कोई दया दिखाते
तो मदर क्या करती है, माता है ना या फिर पिताजी, जो कुछ लिखना होता है या कुछ पैसे दान करना होते हैं तो वो एक बच्चों के द्वारा दान करवाते हैं, ताकि बच्चों को अलग से बताना नहीं पड़े। हम बहुत भोले भोले यहाँ पे, यहाँ माता है, माता है जो बहुत भोले होती है, उनको ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। भिखारी को भीख देना या किसी को खाना देना है, दान देना है, वो बच्चों के द्वारा दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा शॉर्ट में, हिंदू धर्म में ये सेवा हमारे संस्कार बचपन से ही गढ़े हुए हैं, इसे अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ता। एक लॉकडाउन के पीरियड में आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि महावीर जी ने मानव सेवा, दिनेश नारायण में प्रजापति, रहने का गोरेगांव, यशवंत प्रभा शाखा से स्वयंसेवक हूँ, तो मैं महावीर जी जो स्वयंसेवक है अपने जूने पुराने बोले तो बचपन से, तो मैं भी उनसे थोड़ा प्रेरित हुआ। कभी वो थोड़ा दो शब्द हमको भी थोड़ा सुनाए तो हमको भी अच्छा लगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मानव सेवा किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और भी करना चाहिए, हमको भी जुड़ना चाहिए। पर जो पशु सेवा है उस उन्होंने जो भी किया रहेगा, और भी जो प्रेरित हुआ उन्होंने भी सेवा किया रहेगा। गाँव गाय का है, वो गाय को तो रोटी मिलता नहीं था लॉकडाउन में, बिल्ली को भी नहीं मिला था, कुत्ते को भी नहीं मिला, तो उन्होंने भी सेवा किया रहेगा, उसको भी मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने जो भी किसी ने भी सेवा किया रहेगा उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और महावीर जी को भी बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ काम में कुछ रहेगा, जरूरत रहेगा हमारा जो सेवा के लिए, तो हम भी समर्पित है पूरा, तो गऊ के लिए है, कुत्ते के लिए है, बिल्ली के लिए, मानव सेवा के लिए, किसी भी काम के रहेगा जो जरूरत रहेगा, तो हमको निस्वार्थ के लिए हम सेवा करने चाहते हैं, तभी हमको कभी भी फोन कीजिए, हम स्वयं से आ जाएंगे, हजार रहेंगे, हजार। माता के जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। देश का अन्न कौन खाता है? हम खाते हैं। इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता के जय। ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से जो हमारे और हमारा जो पिछला गौरव अगर देखे हमारा राष्ट्रवाद का, तो इसमें हम एक संपन्न हैं, विश्व के लिए हम एक आदर्श हैं, तो वो हमारा एक पर सेवा करने का जो हमारा है वो तो हमारे में भरा हुआ। तो बचपन से हम लोग शाखाओं में जाया करते थे। जब मैं 6वीं क्लास में जब आया तो हमारे गाँव में छोटा गाँव है, वहाँ हमने हमारे एक डॉक्टर साहब हैं धर्म नारायण जी मोड़, उनका बहुत ही मैं उपकार मानता हूँ। और आज भी शाखा चल रही है, वो चल रहे हैं, उनके पुत्र वो संभाल रहे हैं, हमारे गांव में शाखा का इतिहास अच्छा है और हम लोग वहाँ से उनसे जुड़े थे। तो पहली बार मेरे को मालूम पड़ा था कि संगठन में शक्ति है। क्या मालूम पड़ा था कि संगठन में शक्ति है। जो चीटी होती है छोटी भी होती है, लेकिन जब वो संगठित हो जाती है तो बड़े सर्प को वो मार गिराती है और सर्प भी उससे भाग जाता है। इसलिए हमें बचपन में जब खेलाते थे तो हमें दौड़ करवाते थे, जिसमें बोला था संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, हमें चारों राउंड में, तो उसने बोला था संगठन में शक्ति। तो आप ध्यान रखना, अगर किसी में अगर शक्ति है तो संगठन में, अगर किसी आपदाओं में आप मुकाबला करवाओगे तो संगठन में, अगर ये ग्राउंड है मैं बोलूँ आप साफ कर दो तो एक आदमी लगेगा, अरे बाप रे इतना बड़ा ग्राउंड है मैं कैसे साफ करूँगा, इतने बहुत सारे पत्थर है, मैं तो 10 दिन लगे, लेकिन हम सब मिल जाए अगर इसमें तो ये 2 घंटे में ये ग्राउंड साफ हो जाएगा। तो इसमें शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो कोई भी आपदा आए तो हमें संगठित होकर उसका मुकाबला करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो संघ क्या सिखाता है? संघ सिखाता है कि संगठित होगा, अगर संगठित होंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं, विकास से लेकर हम राष्ट्रवाद, जो पुराना हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति का, जो आर्य संस्कृति का जो पुराना गौरव है वो हम वापस पा सकते हैं। संघ तो हमें यही सिखाता है, इसलिए संघ में आकर मैंने यही सीखा था और संघ की ही ये प्रेरणा थी। तो हमें ये मुसीबत जो आई, जो कोरोना महा उपद्रव है, तो वो हमने एक सिखाया कि हमें संगठित होकर इसके मुकाबला करना है। जो संगठित होंगे तो एक अकेला आदमी कितने लोगों को करेगा, लेकिन अगर संगठित होकर करेंगे तो हम बहुत सारे लेवल को हम लोग कर सकते हैं। तो हमने हमारा एक श्रावक सेवा संस्था करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी हम लोग क्या करें, तो उसमें हमने मालूम हमारा रजिस्ट्रेशन पड़ा हो तो हमने किसी के मामले से, क्योंकि मैं संघ से यहाँ से ही जुड़ा हूँ, बचपन से मैं संघ से, बहुत सालों तक हम संघ से जुड़े हुए हैं और संघ से जाते थे शाखाओं में जाना, सब हमको मालूम।
कैसे किया जाता है। बचपन से हमारे को यहाँ पे अभी तक नहीं देखा तो मैं बता सकता हूँ कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये हमारे को बचपन की संस्कार जो अभी तक हमारे में वो अभी है। लेकिन मुंबई में आने के बाद हम व्यवसाय से में हो गए यहाँ पर बंद में, तो हमको यहाँ से जुड़ने का